सीधे मैं सबसे पहले कृष्णदास जी के पास चलता हूँ। कृष्णदास जी, बताइए हमें क्या हुआ वहां पर, कैसे शुरू हुआ, और ये अफवाह जो उड़ाई गई कि एक धार्मिक किताब का अपमान किया गया, ये तो कोरी झूठ बात थी ना? इसके पहले भी बहुत सारे टाइम ऐसा बात आया जो फेसबुक पर कुछ बात आया जो मुसलमान का बारे में, उनका मोहम्मद का बारे में, उनका किताब का बारे में झूठ बात बोला हिंदू लोग। असली किसने ही बोला? उन लोग को देखे हिंदू को फंसाया। क्या हुआ इस्कॉन टेम्पल में, ये बताइए, और माताओं बहनों के साथ क्या हुआ, कैसे लोगों को वहां पर अत्याचार हुए उन पर, और कैसे मारा गया, दुर्गा पंडाल कैसे तोड़े गए? तो लास्ट फ्राइडे में हमारा इस्कॉन टेम्पल नोआखाली में लगभग 300 से 400 पीपल आके हमारा इस्कॉन टेम्पल में आके हमारा मूर्ति तोड़ा, हमारा जो जगन्नाथ का रथ मंदिर है, रथ मंदिर का आग लगाया, हमारा दो भक्तों को काट डाला, अभी तीन भक्त अस्पताल में है, और नोआखाली में लगभग 10 टेम्पल्स को तोड़ा, हमारा उधर आग लगाया, ठाकुर जी के विग्रह को तोड़ा, आग लगाया, सब कुछ तोड़ के अच्छा करके ध्वंस कर दिया। अभी कुमिल्ला में, चाँदपुर में, नोआखाली में, फेनी में, चट्टग्राम में, रंगपुर में, दिनाजपुर में, पंचगढ़ में, लगभग 25 डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो हिंदू टेम्पल है, हिंदू टेम्पल को तोड़ डाला। आपको एक चीज में बता रहा हूँ, 1952 में बांग्लादेश में 56% हिंदू था, अभी 2021 में लगभग 8% हुआ हिंदू लोग। दिन दिन हमारा हिंदू लोग अभी इंडिया में जा रहा है, कहाँ से जा रहा है कुछ पता नहीं, लेकिन हमारा बांग्लादेश गवर्नमेंट कमिटमेंट करते है किंतु सुनते नहीं। इसलिए और वर्ल्ड में हमारा विनती है, हिंदू बताए, हिंदू लोग को जो बांग्लादेश में है उसको हेल्प कीजिए। आप हेल्प कर ना सकते, यदि हम लोग को इंडिया लेके जाएंगे।